तो दोस्तों कल हमने जो आप मेरे पीछे गार्डन देख रहे हैं, हमने उसका विजिट किया था, मैनवरिंग गार्डन, जहाँ पे ये एक नेवी का एयरप्लेन है और एक दो पक्षी भी वहाँ पर हैं। अब हम उसके बिल्कुल सामने, ठीक आप ये सीढ़ियों से आएंगे तो आपको ऊपर एक पॉइंट है, वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। इसको भी मैनग्रीन व्यू पॉइंट बोलते हैं, इसको आप एक तरीके से सेल्फी पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है, तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या है यहाँ का नज़ारा, बड़ा मस्त नज़ारा है। तो लैंड पॉइंट का आप बोल सकते हैं सबसे खूबसूरत जो हिस्सा है, खूबसूरत जो वादियाँ हैं वो यहाँ पर हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं आराम से बैठ के। तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, तब तक आप घूमिए वादियों में। यहाँ पे आप शाम को पूरा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में, यहाँ पर आप अर्ली मॉर्निंग या शाम को पूरा अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, पूरी छांव आपको मिलेगी, यहाँ पर ये लगाया गया है, तो अच्छे से व्यू कर सकते हैं। जब आप म्यूजियम देखने आए या वो गार्डन आप देखने आए तो तब भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर सेकेंड आइटरी में हैं, और जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो पूरी पहाड़ियों पे सीढ़ी नुमा आकर भी मैं आपको एक खेत से बने दिख रहे हैं, और सड़क भी अच्छे से यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ऊपर पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, एक के बाद ऐसे पहाड़ों की आपको पूरी जो है परत दिखाई दे रही है, और जो पूरी रेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पूरा अच्छे से बना हुआ है, और सभी पहाड़ों पे पेड़ पौधे हैं। यहाँ की जो सबसे खूबसूरत और अच्छी बात मुझे लगी ना, वो यही है कि हर एक पहाड़ पर जहाँ तक आप नज़र घुमाओगे ना, जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक पेड़ ही पेड़ है, पेड़ के पीछे फिर पेड़ के पीछे फिर पेड़, और इसी तरह पहाड़ भी ऐसे ही हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया एक पहाड़, उसके पीछे फिर पहाड़, धीरे फिर पहाड़, मतलब पूरी पहाड़ की रेंज है। तो आप नेचर लवर है ना, तो इस जगह पर तो आप बिल्कुल आएँ। ये सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर आप सेल्फियाँ ले सकते हैं खूब सारी, और यहाँ पर आप इनको लगा सकते हैं। नीचे देखिए पूरा बना हुआ है अच्छे से। अगर आप नीचे घूमना चाहें तो आप नीचे भी यहाँ से विजिट कर सकते हैं, नीचे आप एरिया में घूम सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगी कि रात के टाइम पे आप थोड़ा सा ना जाएं, लेकिन आप नॉर्मली अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो नीचे आप पूरा जा सकते हैं। जैसे हमने बाकी एरिया में भी हम जाते हैं, तो यहाँ हर एक एरिया के पास है ना खुला एरिया है पूरा, क्योंकि जंगल एरिया है, पहाड़ों से काट कर बनाया गया है, तो वो यहाँ पर बनाया हुआ है पूरा अच्छा, विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हवा मज़ा देगी ना, तो वो तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बिल्कुल ठंडी हवा आती है, ठंडी सड़क जो हम कल यहाँ से गए थे वही सड़क है यहाँ पे, और जो हवा है ना बड़ी ही खूबसूरत है, तो आप बिल्कुल फील कर सकते हैं। अभी सुबह है, कोई भी नहीं है, मतलब अराउंड अभी 10 बजे का टाइम है, 10 बजे के टाइम पे भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो आप आराम से आएँ। योगा प्रेमी हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, अपनी योगा मैट लेके आराम से आ सकते हैं, खूबसूरत जो हवा फील कर सकते हैं, एक स्वच्छ हवा जिसको आप बोलते हैं, आराम से लेंगे और आराम से आप यहाँ पर जो है प्राणायाम यहाँ पे करेंगे। तो आप बाइक से, कार से, जैसे भी आपको आना चाहे तो आप आ सकते हैं, पार्किंग एरिया है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो अगर आप बाइक राइडिंग का शौक़ है तो भी आप इस एरिया पर जरूर आए, आप दल्ले गुड़गांव या नज़दीक के एरिए से हैं, और गाड़ी है तो गाड़ी से भी आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि अभी है ना ये एरिया पूरा अछूता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर कोई भी नहीं, लोग नहीं आते हैं। लैंसडाउन एक ऐसा ऐतिहासिक है यहाँ पर, जहाँ पर अभी तक लोग ज़्यादा नहीं आते हैं, शायद यही कारण है कि यहाँ पर अभी होटल्स भी कम हैं, थोड़ी फैसिलिटी भी कम है। तो आप नेचर लवर हैं तो आप मज़ा लेने आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी फैसिलिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप आ रहे हैं तो खाने पीने का सामान तो आप बिल्कुल लें, खाने पीने के आपको कहीं भी रास्ते में, इवन आपको पानी तक की रास्ते में कहीं कोई शॉप नहीं मिलने वाली। अगर आप चाय के हैं प्रेमी तो आप चाय बिना तो यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि मैं भी चाय की बहुत बड़ी प्रेमी हूँ, चाय और कॉफ़ी की, लेकिन यहाँ पर चाय आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको बस लंबा लंबा चलना ही पड़ेगा। तो खाने पीने का आप अरेंजमेंट लाएँ, बच्चे हैं खासकर आपके साथ तो थोड़ा ज़्यादा खाने पीने का आप रखें। खाने पीने के लिए 4-5 रेस्टोरेंट ही हैं ज़्यादातर, यहाँ पे कैफ़े बने हैं, हर होटल का अपना है, लेकिन रस्ते में आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर बैठ के मैं तो थोड़ी देर पूरा नज़ारा लेने वाली हूँ और पूरा स्वच्छ हवा का फील लेने वाली हूँ। तो आप भी आए, इस जगह पर ज़रूर आएँ, एक सुकून जो मिलेगा वो अलग ही सुकून मिलेगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, लेकिन थोड़ा सा मैं रेस्ट करके फिर आराम से हम चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन।